इतना समय सब ना होगा तय कैसे होंगे से समय आएगा तब तय होगा। हाँ समय आएगा तो सब तय होगा। तो 24 में क्या होगा? 24 में एनडीए साफ रहेगा। एनडीए साफ जीरो पर आउट। बीजेपी कार्य फील कर रहे होंगे कितना बेमिसाल है कोई, हम ही तो आप भी देश के नागरिक हैं, आप मीडिया के हैं, आपको ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जानकारी है, आप बताइए क्या बेमिसाल है, जितना वादा किया तक एक नहीं पूरा किए, देश की जनता त्रस्त है। तो हम मौजूद है पटना एयरपोर्ट पर और आने वाले हैं कुछ ही पलों में राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के नेता है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मदन मोहन झा जी है। सर राहुल गांधी जी का स्वागत कैसे करेंगे आप लोग? आप देख रहे हैं हम लोग सारे लोग राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए बेताब हैं और कांग्रेस ही नहीं पूरे देश की जनता आज राहुल गांधी जी को एक आदर्श के रूप में देख रही है और मैं समझता हूँ कि देश की जनता इस सत्ता जो वर्तमान में है उससे उब चुकी है और राहुल गांधी का जो कार्यकाल हुआ है, उनका जो एक्शन हुआ है, उनका जो पदयात्रा हुआ है, उसके बाद से लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बैठक से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो बीजेपी को इस बात का दर्द क्यों हो रहा है जो हमको फायदा हो रहा है कि नहीं, तो हमको किस बात से फायदा होगा वही बता दें। कह रही है कि भ्रष्टाचारियों की बैठक है, बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारियों की बैठक है। वो अपना न बताएंगे जो उन्होंने 9 साल में क्या काम किया है, तो भ्रष्टाचारी है 9 साल से सत्ता में नहीं है, आज केंद्रीय स्तर की बैठक है, 9 साल से हम सत्तासीन नहीं है, तो जो लोग हम लोग भ्रष्टाचारी हैं तो क्यों नहीं उनको उन्होंने सजा देने का काम किया 9 साल में? 9 साल तो बेमिसाल बना रहे हैं मोदी जी, हर गली हर मोहल्ले हर तो आप भी फील कर रहे होंगे कितना बेमिसाल है कोई, हम ही तो आप भी देश के नागरिक हैं, आप मीडिया के हैं, आपको ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जानकारी है, आप बताइए क्या बेमिसाल है, जितना वादा किया तक एक नहीं पूरा किए, देश की जनता त्रस्त है। तो और मन भी बना चुकी है, आज नेता लोग मिलेंगे कोई ना कोई निर्णय लेंगे, आज लें कल लें, लेकिन जनता के हित में जो निर्णय होगा वो निश्चित रूप से लिया जाएगा और मैं समझता हूँ जो आने वाला 24 में उनका नामो निशान मिट जाएगा। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी का नामो निशान मिट जाएगा 24 में? 24 में सभी गठबंधन एकजुट हो गए हैं और ये देखिए अभी जो आप लोग आए हैं शुरुआत हो चुकी है बिहार से, पहला दौरा बिहार से महागठबंधन का जो शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे वो घबरा गए हैं और आप ये पहला बार राजनीति इतिहास में हमने पहला बार देखा कि जब किसी महागठबंधन की बैठक हो रही है और उनके बैनर खिलाफ में लगता है, ऐसी ओछी राजनीति आज तक इतिहास में कभी। राहुल गांधी जी आ रहे कितने उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता? आप देख रहे हैं कि पूरे लोग उत्साहित है, आप यहाँ तो बहुत कम है, आप जाके देखें सड़क पे और देखें पार्टी कार्यालय में काफी लोग उत्साहित हैं और लोग दूर दूर से राहुल गांधी जी की बात को सुनने के लिए देखने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल और भी कांग्रेस के नेता है कार्यकर्ता है उन सब हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सर? हम सासाराम नोखा से, पश्चिमी जिला पार्षद हैं नोखा से। वहाँ से आए आप राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए, कितने उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता? उत्साहित है, इसी से वो आप जान लीजिए कि हम लोग उतना दूर से चल कर आए हैं इतना समर्थक के साथ, इससे साबित होना चाहिए कि हम लोग कितना खुशी में आए हैं अपने नेता का। टेम्परेचर इतना होने के बावजूद भी आप लोग जी 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 एकदम उत्साहित हैं। राहुल गांधी जी का स्वागत कैसे करिएगा? बहुत गर्मजोशी के साथ हम लोग मिलजुल कर स्वागत करेंगे और अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री बनाने की जी जी बीजेपी करे 24 में सीटें नहीं खाली है। एकदम नहीं, बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, अपने एक भी वादा पर अगर आप लोग देख रहे हैं कि अपने वादा पर अगर है तो अपने देखने की बात है कि कितना महंगाई चरम सीमा पर हो गया है। उजाला योजना के तहत गैस का पैसा लोग और गरीब को दिया गया, कितने घर में गैस जल रही है आप लोग वहाँ जाकर सर्वे कीजिएगा तो आप लोग को खुद मालूम पड़ जाएगा। और लोग उनसे जाने को से क्या कहिएगा राहुल गांधी जी का स्वागत में कितने उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित है, बहुत सुंदर लग रहा है आने के बाद। विपक्ष लेकिन विपक्ष खास करके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई दम नहीं है। कहने से नहीं ना होगा, वो तो अब सामने आ रहा है, पता खुद चला जाएगा। नाश्ता वास्ता करेंगे खाएंगे पिएंगे साथ में फिर अलग हो जाएंगे। कहने से नहीं होगा, सब पता चल जाएगा। समय आते आते सब टूट जाएंगे? नहीं, टूटने वाला नहीं है। अब की बार एकदम पूरा जोर लगा के एकदम खत्म कर देगा। खत्म कर देना एकदम। तो कह रहे हैं कि सीटें नहीं खाली है 24 में? वो कहने से नहीं होगा, मान लीजिए अब तो समय आ ही रहे, वो कहेंगे वो सामने लौक रहा है सब देखने। दूर दूर से लोग सुनने को और सुनने के लिए और देखने के लिए आ रहे हैं। सही बात है। तो ये बताइए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साहित है? कार्यकर्ता में उल्लास देख रहे हैं कितना काफिला है, कार्यकर्ता में तो उल्लास सही है।
भारत के भावी प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। भावी प्रधानमंत्री बीजेपी तो करे वैकेंसी, सीटें नहीं है, सीट खाली है पूरा। तो बीजेपी के कौन अति है, पूरा युवा पूरा छात्र क्या वो पूरा कर रहे हैं, क्या रोजगार दे रहे हैं? तो उनको तो रोक लग गया, इलेक्शन नहीं लड़ना था ना, कैसे बनेंगे भावी? आने दीजिए ना समय, सब न होगा तय, कैसे होंगे से? समय आएगा तब तय। हाँ समय आएगा तो सब तय होगा। तो 24 में क्या होगा? 24 में एनडीए साफ रहेगा। एनडीए साफ जीरो पर आउट। बीजेपी कार्य इस बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बैठक से बहुत बेचैनी काहे इतना है, बेचैनी काहे है मोदी जी के? पूरा जितना उनके तोता है, ईडी आईडी जितना जो है सबके घरे घरे भेज रहे हैं, आखिर बेचैनी किससे है? तो यहाँ पर आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर सुन सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि आखिर इनको बेचैनी क्यों है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, कोई झंडा हाथों में लेकर के लहरा रहा है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।